बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। कल मखसूस नशस्तों से मुतलिक अहम समात होने जा रही है और उससे पहले सलमान अकरम राजा साहब की जानब से तीन सफ़ात पर मुश्तमिल उनकी जानब से जो एक बड़ा सरप्राइज़ सामने आया और कौम को उन्होंने आगाह किया है असल मामले से, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि अत्तर मिनल्ला साहब ने एक और सरप्राइज़ दे दिया है फैसल वावड़ा तोहीन अदालत केस में। अत्तर मिनल्ला साहब की जानब से कहा गया जी कि मैंने किसी के खिलाफ कोई तोहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा, ना ही मेरा किसी से कोई लेना देना है, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अदालत की जानब से कहा गया, चीफ़ जस्टिस काजी फैसल साहब ने समाअत करते हुए ये फरमाया था कि देखें जी, बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर की जानब से बात की गई, हमने तो तब भी ये एक्शन लिया है, नहीं तो हम तो तोहीन अदालत के मामलों पर एक्शन ही नहीं लेते। अत्तर मिनल्ला साहब ने रजिस्ट्रार को लिखा कि भाई, जब मैंने ना आपको कहा है, ना मैंने कोई ऐसी कोई बात की है, तो मेरा इस पूरी तोहीन अदालत की कार्रवाई से, चूँकि अब तोहीन अदालत चली गई है 34 TV चैनल्स को, इस वजह से मामला ख़राब हो गया। उस पर अत्तर मिनल्ला साहब ने ख़त लिखा है, बहुत अहम है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बताता चलूँ कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 21 कारकुनान की जमानतें, अबूरी जमानतें कन्फर्म करने का हुक्म दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में अहम पेशरफ सामने आई है। अदालत ने 31 मुलजमान की अबूरी जमानतें कन्फर्म कर दी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कंटेनर जलाओ घिराओ के केस में 7 मुलजमान की जमानतें कन्फर्म करने का हुक्म जारी कर दिया, जबकि कलमा चौक कंटेनर जलाओ घिराओ के केस में 6 मुलजमान की जमानतें कन्फर्म करने का हुक्म जारी किया। अदालत की जानब से मुस्लिम लीग नून हाउस जलाओ घिराओ केस में 3 मुलजमान की जमानतें, जबकि वज़ीर आज़म हाउस जलाओ घिराओ केस में 2 मुलजमान की जमानतें कन्फर्म करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आज़म हाउस मतलब जो शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म ऑफिस डिक्लेयर हुआ है एच ब्लॉक मॉडल टाउन का घर, तो उसका जो है वो भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें टोटल 31 ये कारकुनान हैं, 5 मुख्तलिफ मुकदमात हैं जिसमें इनकी ज़मानत, अबूरी ज़मानत को कन्फर्म कर दिया गया, अबूरी ज़मानत को मुस्तकिल कर दिया गया है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की जानब से आप जानते हैं कि फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़, जिनके ख़िलाफ़ तोहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, बेसिकली उन्होंने बात की थी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से और कुछ पगड़ियाँ उछालने और फुटबॉल बनाने की बात की, और बाद में फिर आपने देखा वो सजदा रेस भी हो गए थे। तो उस पर फिर अदालत ने उनकी माफ़ी तो कबूल कर ली, लेकिन जिन्होंने चलाया उनको इस बुनियाद पर कार्रवाई शुरू कर दी कि आपने तो पैसा कमाया है, आपने तो इश्तहार लिए हैं, बजाय इसके कि ये मामला आता कि भाई आपने किसी के दबाव में, किसी के कहने पे चलाई है, क्यों आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है फैसल वावड़ा जैसे गैर अहम आदमी की, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों चलाई है? अल्टीमेट अगर उसको सेनेटर भी बना दिया गया है, उसको आज़ाद होते हुए भी नून लीग और पीपल्स पार्टी वोट दे के उसको सेनेटर बनवाती है, तो कोई तो है, तो वही है जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जा रही है, उस में जाने की बजाय कि भाई चूंकि आपने कुछ पैसा कमाया है तो पैसे के चक्कर में ये मामला चला गया, तमाम टीवी चैनल्स को नोटिस हो गया। उस पर फिर फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की हद तक केस ख़त्म हो गया। तो केस ख़त्म होने के बाद, चूंकि अगर तो केस उनका पेंडिंग होता तो फिर जो केस है उसके बारे में कहा जाता कि वो सब जुडेस है, चूंकि उनकी हद तक केस ख़त्म हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने एक ख़त लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम, उसमें कहा है कि फैसल वावड़ा और MQM के रुकन कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई मेरे कहने पर शुरू नहीं हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम ख़त में अत्तर मिनल्ला साहब ने लिखा कि यह तासुर दिया गया जैसे फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज़ किसी मेरी कंप्लेंट पर हुआ है। अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा कि ना ही मैंने तोहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की कोई शिकायत की है, और ना ही मैंने कोई राय दी है, ना ही मुझसे इस बारे में पूछा गया है, ना ही मुझे इस बारे में एतमाद में लिया गया है। ये सारी कार्रवाई शुरू करने से पहले मुझे एतमाद में भी नहीं लिया गया, मेरे नॉलेज में भी नहीं है ये सारा मामला। उन्होंने कहा 2017 से मुझे तजहीक आमेज़ मुहिम का सामना है। ख़त लिखने का मकसद ये रिकॉर्ड पर लाना है कि इस तासुर को ज़ायल किया जा सके कि फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई मेरे कहने पर शुरू हुई है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने कहा, मेरे खिलाफ़ जिस कदर तजहीक आमेज़ या झूठी मुहिम चलाई जाए, मैं किसी के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। ये अत्तर मिनल्ला साहब की जानब से ख़त लिखा गया है कि भाई, मेरे जो रजिस्ट्रार को कहा है कि मेरे कंधे पर रख के ना आप चलाएं, और मैंने ना किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का कहा है, ना मैं इन चीज़ों पे बिलीव करता हूं, ना ही मैं इन चीज़ों के हक़ में हूं, इस वजह से जो भी कार्रवाई करनी है, जो भी करना है, तो वो आप अपने तय करें, लेकिन मेरा नाम उसमें ना आए, ये उनका
जो थीम था, जो आइडिया था मेरे ख्याल में, वो यही था कि वो बेसिकली ये कहना चाहते थे। बहरहाल आप जानते हैं कि कल मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक अहम केस की समाअत होने जा रही है, और पहले भी सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल दे चुके हैं, और सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल को जिस तरीके से सुना गया वो तो आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ किस तरीके से मामला आगे बढ़ाया गया, और जो मामला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा साहब हूँ या फैसल सिद्दीकी साहब हूँ, जो मामला उनके साथ किया गया वो भी आप और मैं बेहतर जानते हैं। अब जो अपने ट्विटर अकाउंट पर सलमान अकरम राजा साहब ने एक पूरी सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स किए हैं जो मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस की हकीकत बताई है। वो लिखते हैं कि 1956 के मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के बाद से लेके अब तक अगर किसी मुकदमे के पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत पर दूरस असरात होंगे तो वो हालिया मखसूस नशस्तों का मुकदमा है। बहुत से लोगों ने इस मामले की वजाहत करने को कहा है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 51(6)(d)(e) ये उसकी सब क्लॉजेज़ हैं। मेन आर्टिकल 56 है, उसका सब आर्टिकल 6 है, सब आर्टिकल डी है, सब आर्टिकल ई है। उसकी तशरीह तलब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 51(6)(d)(e) की तशरीह तलब कर रहे हैं। ये शिक मखसूस नशस्तों का जीती गई आम नशस्तों के तनासब से तयन करती है। इस पैरा की गर्ज से कई सियासी जमात की तरफ से जीती गई आम नशस्तों की कुल तादाद में वो कामयाब आज़ाद उम्मीदवारान शामिल होंगे जो सरकारी जरीदे में कामयाब उम्मीदवारों के नामों की इशात के 3 दिनों के अंदर बाज़ाबता तौर पर मस्कूरा सियासी जमात में शामिल हो जाएंगे। कि जी जो नशस्तें मखसूस मिलती हैं उसमें क्या होता है कि जो आज़ाद शामिल होते हैं तो उनको 3 दिन में मौका दिया जाता है, जो आज़ाद होते हैं, कि आप किसी सियासी जमात में शामिल हो जाएं। वो जिस सियासी जमात में शामिल होंगे उस सियासी जमात को बाकायदा तौर पर मखसूस नशस्तों में हिस्सा मिलता है, उनके जो आज़ाद की गिनती करके तनासब उनके साथ बनता है। इस पैरा की गर्ज से किसी सियासी जमात की तरफ से जीती गई आम नशस्तों की कुल तादाद में वो कामयाब आज़ाद उम्मीदवारान शामिल होंगे जो सरकारी जो 3 यौम के अंदर बाज़ाबता तौर पर मस्कूरा सियासी जमात में शामिल हो जाएं। मस्कूरा बाला सतूर में लफ्ज़ शामिल का सरकार और इलेक्शन कमीशन ये मतलब अख़ज़ करते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारान की किसी सियासी जमात में शमूलियत से कबर उस जमात के पास कम अज़ कम एक बरह रास्त जीती हुई नशस्त होनी चाहिए ताकि मखसूस नशस्तों के हसूल के लिए उस सियासी जमात की कुल नशस्तों का तयन किया जा सके। आइनी शिक का मतन ये नहीं कहता, अगर आर्टिकल 51 को हम पढ़ें तो वो कहते हैं सिक्योर करना कि जिसने इतनी सीटें सिक्योर की हैं। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि सिक्योर से मुराद ये नहीं है कि इलेक्ट होके आए हैं, मतलब ये है कि वो आज़ाद मिलने के बाद और वो सारा जो टोटल उनकी जो हासिल की हैं उसकी बुनियाद पे मिलती हैं। लेकिन जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का मानना है कि भाई एक सीट जनरल सीट जीती होना ज़रूरी है। दूसरे अरफाज में इलेक्शन कमीशन के बकौल 1:86:87, लेकिन 0:86:0 है। मेरी नज़र में लफ्ज़ शामिल की यह मसनू तशरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुनी दाद कौंसिल को कौमी असम्बली की 23 और सूबाई असम्बली की 55 नशस्तों से महरूम करने के लिए इस्तेमाल की गई है। आइन बरह रास्त जीती नशस्तों और आज़ाद उम्मीदवारान की शमूलियत की वजह से हासिल की गई आम नशस्तों में कोई तफरीक नहीं करता। लफ्ज़ सिक्योर शामिल को जमा के मानी में इस्तेमाल करके सुन्नी तहत कौंसिल के अराकीन को मुतनासिब बुनियादों पर मखसूस नशस्तों के असूल से खारिज करना आइनी तशरी के इन असूलों के आइन मुनाफी है जो सियासी जमातों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े किए हैं। सुन्नी तहत कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों से इनकार और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए 2/3 अक्सरियत का मुजब बनेगी। इससे आइन में ऐसी तरमीम की जा सकेंगी जिनसे मखसूस अफराद मुस्तफीद होंगे। 8-9 फरवरी को होने वाले इन वाक़ात को सामने आने से रोका जाएगा। अब सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि भाई इनको मखसूस नशस्तें इस वजह से चाहिए कि ये आइनी तरमीम करना चाहते हैं जिनसे मखसूस अफराद मुस्तफीद होंगे और 8-9 फरवरी के इंतखाबात पर ये मिट्टी डालना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम के लिए ये जानना इंतहाई अहमियत का हामिल है कि नुमाइंदा कौमी असम्बली के ज़रिए कौम के जमहूरी मुस्तकबिल और आइन के मुस्तकबिल का फ़ैसला इस वक्त मुकम्मल तौर पर आइन के आर्टिकल 51(6)(d)(e) में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ शामिल की अक्सरियती तशरीह पर मुनहसर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी तहत कौंसिल का मौक़िफ़ है कि किसी भी सियासी जमात के कौमी असम्बली में दाखिल होने के 2 रास्ते हैं, या तो पोलिंग के दिन जीतने वाले उसके उम्मीदवारों के ज़रिए या आज़ाद उम्मीदवारों के उस जमात में शामिल होने के ज़रिए। एक छोटी जमात जो काबिल कदर सियासत करती है लेकिन मुकाबला करने के लिए वसाइल के हामिल उम्मीदवारों की हामिल ना हो वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकती है।
8 फरवरी के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, काफ लीग और मुस्लिम लीग ज़िया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कामयाब करार पाए और आइन के तहत PTA के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को इनमें से किसी एक पार्टी में शामिल होने की ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन की जानब से PTI के सियासी जमात ना होने के ऐलान के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTA की क़्यादत में बाहमी एतमाद और भरोसा था। आइन गैर फितरी या सियासी तौर पर नाकाबिल अमल लाहे अमल पर मजबूर नहीं करता कि आप कहें जी कि आपको जमीयत उलमा इस्लाम फे में चला जाना चाहिए था, आपको फलाह में चला जाना चाहिए था। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि भाई गैर फितरी इतिहाद भी नहीं किया जा सकता, ना आइन ऐसी को पाबंदी लगाता है, ना नाकाबिल अमल लाहे अमल पर मजबूर नहीं करता। PTI की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत पर कोई पाबंदी नहीं थी कि हमसे ये सवाल पूछा जाए कि आपने ये नहीं किया और वो क्यों किया। ये बात मद्देनज़र रखते हुए कि आज़ाद उम्मीदवार किसी भी ऐसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं जिसने ना तो इंतखाब लड़ा हो और ना ही कोई सीट जीती हो, इलेक्शन एक्ट ऐसी कोई शर्त नहीं लगा सकता कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें पोलिंग के दिन से पहले पेश कर दी जाए। इस तरह की पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की फहरिस्तें दाखिल करने की इजाज़त होनी चाहिए। 2018 के इंतखाबात के बाद बाप को आज़ाद उम्मीदवारों बाप पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों को इसमें शामिल होने के बाद मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जमा करवाने की इजाज़त दी गई, ये आइन की दुरुस्त तशरीह थी। इलेक्शन कमीशन अब इस तशरीह से खुद ही मुनकर है और इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 104 या तो नाकाबिल इतलाक़ है या गैर आइनी है। पाकिस्तानी अवाम को इन मसाइल का इल्म होना चाहिए जिन पर उनका जमहूरी मुस्तकबिल मुनहसर है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि ये बात मैंने डिटेल में क्यों आपको समझाई है कि पाकिस्तानी अवाम को इन मसाइल का इल्म होना चाहिए जिन पर उनका जमहूरी मुस्तकबिल मुनहसर है। हर साहिब इल्म शख्स को ये बात दूसरों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कौम की रूह और आइन के लिए जंग है। यह सलमान अकरम राजा साहब की जानब से जो है वो आवाम को अवेयरनेस देने के लिए इस केस से मैं समझता हूँ कि बड़ी दबंग तरीके से उन्होंने ये बात समझाई है। कल अहम समात होने जा रही है, जो भी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह कल आपको लाइव भी दिखाएंगे और जो समात का अहवाल मुख्तसर वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।